यात्रा करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए। और हमारी जो इतिहास है, जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए। कपिल शर्मा ने ऐसे कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना? ऐसे अफवाह आ रही थी कि इस मूवी को शो पे नहीं। और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफ? इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड बना के रखा। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल। मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड, एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे?